Xiaomi। Redmi के बारे में बात करते ही एक ना एक फीचर या एक से एक स्मार्टफोन्स निकल कर सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि Redmi कम दाम में 5G स्मार्टफोन्स लेकर जल्द ही आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं जशन टेक YouTube चैनल। बजट वेरिएंट की बात आई चुकी है तो Xiaomi का कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Note 10 Pro या Xiaomi Redmi X Pro भी हो सकता है। 6.8 इंच की फुल्ली HD प्लस सुपर QLED स्क्रीन स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है। बैक साइड में क्वाड कैमरास के साथ ये स्मार्टफोन आएगा तो एकदम दमदार फीचर्स होने वाला है। यहाँ पर कभी भी आप लोग ऐसी स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें 5000 mAh के बिग बैटरी पिकअप अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ में ये स्मार्टफोन आएगा। और यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 825 प्लस की प्रोसेसर, एक हाई एंड प्रोसेसर जो आने वाले साल लॉन्च हो सकता है, वो प्रोसेसर स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की फ्रंट DSLR सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी डॉट नॉट नोच के साथ, या नोच भी कह लो आप। यहाँ पर कैमरा क्लैरिटी की बात करें तो बैक साइड में 4 लेंस कैमरा फिट किया गया है, 48+64+18+8 मेगापिक्सल की 4 DSLR सेल्फी कैमरा सबसे हाईलाइटेड फीचर स्मार्टफोन की कह सकते हो। 3.5mm ऑडियो जैक। और यहाँ पर ये स्मार्टफोन 4 वेरिएंट के साथ स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। एक लोअर वेरिएंट होगा 4GB रैम का आएगा, और वैसे ही बढ़ते बढ़ते 12GB रैम तक ये स्मार्टफोन चला जाएगा। 8GB रैम, 6GB रैम और एक 12GB रैम और एक 4GB रैम। यहाँ पर अलग अलग इंटरनल स्टोरेज अलग अलग मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड हायर वेरिएंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है 256GB तक एक्सपेक्टेड हायर रेंज की ये स्मार्टफोन हो सकती है। तो गाइस, ये थी स्मार्टफोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, और जो भी सेंसर्स स्मार्टफोन में देनी चाहिए सब कुछ इसमें दिया गया है। फाइनली स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी प्राइस 20,000 के आसपास हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको और एक वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।